हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाउ टू से इन इंग्लिश, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे कहें। जैसे उम्मीद है कि कल बारिश होगी, उम्मीद है कि वह बच जाएगा, उम्मीद है कि मैं परीक्षा पास कर लूँगा। तो चले देखते हैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो देखिए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट, इसके मीन्स होता है उम्मीद है कि। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा गया है, तो सबसे पहले हम लोग इट इज एक्सपेक्टेड दैट, फिर उसके बाद हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, जिस टेंस में होगा उस टेंस में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है, उम्मीद है कि अगले 10 मिनट में ट्रेन आएगी, उम्मीद है कि अगले 10 मिनट में ट्रेन आएगी। It is expected that the train will arrive in next 10 minutes. ऐसा कोई किसी से कह रहा है। अगला वाक्य देखिए, उम्मीद है कि वह बच जाएगा, डॉक्टर कह रहे हैं उम्मीद है कि वह बच जाएगा। It is expected that he will survive. It is expected that he will survive. अगला वाक्य देखिए, उम्मीद है कि वर्षा होगी, कह रहे हैं उम्मीद है कि वर्षा होगी। It is expected that it will rain. It is expected that it will rain. अगला वाक देखिए, उम्मीद है कि कल पापा घर आएंगे, उम्मीद है कि कल पापा घर आएंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फादर विल कम होम टुमारो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट फादर विल कम होम टुमारो। अगला वाक देखिए, उम्मीद है कि मैं परीक्षा पास कर लूँगा, उम्मीद है कि मैं परीक्षा पास कर लूँगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आई विल पास एग्जाम, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आई विल पास एग्जाम। गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक्य कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आए, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग नए नए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।